तो ये सेकंड केस स्टडी है, तो ये असुस के ऊपर है, ये 81 MCS, तो ये बेसिकली नो पावर है, पर यहाँ पर डिटेल कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं और सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो बढ़िया। चलो पहले देख लो एक बार किस टाइप का नो पावर है और सोल्यूशन क्या है, या फिर क्या होना चाहिए पहला स्टेप आपका। मैंने तो देख लिया है, इसलिए बना रहा हूँ वीडियो को, ना देख के तो भाई डायरेक्टली उठा दे के क्या है ना क्या है ना सोच के वीडियो तो ऐसे बना नहीं जाता। तो देखो PS1 इसका है और मैंने देखा पहले थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कुछ नया हो तो एक वीडियो बना देते हैं। चलो देखो, ये देखो थोड़ा सा चल के बंद, ये जो CPU है ये कस्टमर का ही CPU है। तो फिर से चलाता हूँ, थोड़ा सा चल के बंद, ठीक है हटा देता हूँ, थोड़ा सा चल के बंद। तो इस ऐसे टाइप की अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपके पास पहली बात तो ये है, ये CPU का स्टॉक होना चाहिए कम से कम 2-3, और ये मिनिमम 1000 रुपीज़ करके, 1000 रुपीज़ करके इसका प्राइस है सेकेंड हैंड में, तो आपको रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो बोर्ड रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर के बोर्ड में जो CPU आता है बेसिकली गीगाबाइट के बोर्ड में, अगर VRM रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो उनका CPU तो गया, तो उनका CPU से ही बोर्ड रिपेयर करोगे, ऐसा अगर टेंडेंसी है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास भी 2-3 ऐसे स्टॉक रखना पड़ेगा। तो मेरे पास है कुछ, तो चलो एक डालते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका जो होना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आपका जो टेस्टेड सीपीयू है वो एक बार लगा के देखो क्या होता है। तो बोर्ड का मैंने पावर ऑफ नहीं किया, सीपीयू डाल दिया, वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा होता है कभी कभार। तो इसे रख देते हैं यहाँ पर, ये कस्टमर का सीपीयू है और ये टेस्टेड सीपीयू है, जेन्युइन सीपीयू है। इससे भी एक बार देखते हैं बोर्ड चलता है कि नहीं, या फिर सेम इशू है। तो देखो ये सीपीयू में भी प्रॉब्लम सेम है, इस सीपीयू में भी प्रॉब्लम सेम है, पर थोड़ा सा जल के बंद हो रहा है, पर लाइट का चेंजेस थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, पर ये सीपीयू में भी खराब हो चुका है, हो चुका है, पर रिपेयर होने के बाद देखेंगे। तो देखो सेम ही प्रॉब्लम है, ये मेरा जेन्युइन सीपीयू है और ये भी बोर्ड चल नहीं रहा है। तो इस टाइप का केसेस हो तो कहाँ पर बेसिकली आपको काम करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है और ध्यान से देखते रहो, क्योंकि इधर उधर करोगे तो आपका बोर्ड तो नहीं रेडी होगा बल्कि ख़राब हो जाएगा। तो ये हटा देता हूँ मैं बेसिकली। तो पहला स्टेप आपका जो होना चाहिए सीपीयू, आपने एक बार सीपीयू चेंज करके देख लिया सेम सेम है, तो बायस पे तो भूल के भी मत जाओ, क्योंकि ऐसी टाइप के अगर आपके पास यूनिवर्सल डिबग कार्ड है तो बायस पे मत जाया करो, अगर नहीं है तो फिर आप एक बार बायस कर सकते हो, क्योंकि डिबग कार्ड नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोड के साथ ऑफ हो रहा है या फिर क्या है, कोड नहीं है कि है, कुछ भी पता नहीं चलेगा, मतलब अंधेरे में पैर रख के जाना जैसा होता है। कुछ कुछ टाइम में डिबग कार्ड के बिना काम करना मुश्किल हो जाता है बस, पर डिबग कार्ड उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिबग कार्ड ही लगेगा भाई काम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, 10% हेल्प मिल जाता है डिबग कार्ड से, बाकी सारा आपको ही काम करना होता है। तो ऐसे टाइप के अगर प्रॉब्लम हो बायस पे नहीं जाना है, और हमको जाना है कहाँ पर, तो जाना है हमको बेसिकली ऐसे टाइप के अगर प्रॉब्लम हो रहा है सीपीयू तो हमने चेंज करके देख लिया है, ठीक है आपको भी सीपीयू को एक बार चेंज करके देखना है। अगर ना हुआ तो ये देख सकते हो, इस बोर्ड का तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किसी ने, मतलब किसी ने नहीं, ये बहुत उम्र हो चुका है इसका, बोर्ड का जो यहाँ पर सारा कंपोनेंट है ये टोटली रस्ट से जम गया है, देख सकते हो क्लियरली। या तो यहाँ से कोई ना कोई रजिस्टर से प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, ये सप्लाई नहीं मिल रहा है, या फिर इसका PCH से हो रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो ये मैं पहले इसे ढक्कन को हटा देता हूँ, इसे जो है इसका हीट सिंक वगैरह, इसे मैं पहले
रिमूव कर दूँ और फिर बताता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ लगे हाथ एक बार, और एसएमडी को चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो खोल दिया। तो देखो यहाँ पर कुछ हीट वीट वगैरह हुआ था, देख के ही पता चल रहा है। पेस्ट फेस्ट है इस साइड वाइड में, ये देखो ये जो एरिया है, वह थोड़ा बहुत हीटअप किसी ने किया होगा, पहले सर्विसिंग हुआ था शायद, मे बी। तो अभी मैं यहाँ पर पेस्ट नहीं डालूंगा, इसको थोड़ा बहुत ड्राई हीट करना है हमको, और इस सेक्शन में थोड़ा सा फ्लक्स फ्लूक्स डाल के आपको थोड़ा बहुत हीटअप करना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार आपको देखना है कि बोर्ड चल रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है आपको देखना है। थोड़ा सा हीटअप करने के बाद आपको देखना है, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। और पीसीएच पे अगर आपका पीसीएच फ्रेश है तो आप थोड़ा सा पेस्ट यूज़ कर सकते हो, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि पहले से किसी ने हीटअप किया हुआ होगा, देख के पता चल रहा है। तो चलो, पहला जो है मैं इस साइड पे थोड़ा सा हीटअप कर दूंगा। गया, और मैं इसका जो पीसीएच है थोड़ा बहुत हीटअप करूंगा ड्राई हीट। ठीक है, बोला था ना किसी ने हीट किया था, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, तो नीचे से थोड़ा सा करूंगा मैं। थोड़ा सा ठंडा करूंगा थोड़ा सा, और हीट को थोड़ा सा बढ़ाना है और भी। तो हो गया, तो बहुत हुआ, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा करूंगा तो ये खराब हो जाएगा। आपको भी ये हीट को बहुत मेंटेन करके करना पड़ता है, हाथ का बहुत सेटिंग होना चाहिए अगर एसएमडी आप चला रहे हो, चाहे कोई भी एसएमडी हो आपके पास, उससे आता जाता नहीं है। तो अभी थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर और ये जो है इसे मैं अभी क्लीन कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया? देखो, आसूस का जो H1 मदरबोर्ड होता है, इसका PWMIC बहुत ही कम आया है केसेस में, खराब हुआ है, पर हुआ है, कभी कभार हो जाता है। पर PWMIC जो होता है 81 सीरीज का, गीगावाइट का, बहुत खराब निकलता है बहुत। ये बोर्ड का ये एक बैड रिपोर्ट है, जो कुछ भी हो जाए पर कोर ऐसे खराब हो जाएगा आपका। पता नहीं ये जो आर्किटेक्चर वाले हैं ये बोर्ड पर कुछ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। तो ये तो क्लीन हो गया, और थोड़ा सा कॉटन लेना है, और इसका साइड से थोड़ा बहुत पेस्ट निकल रहा था, इसे मैं क्लियर कर दूंगा। एक सेकेंड, ट्वीज़र की तरह। ये रखता हूँ, और
अभी भी थोड़ा सा टाइम देना है ठंडा होने को। अगर ठंडा होने को नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पीसीएच को थोड़ा बहुत ठंडा करना है अभी भी। एक सेकेंड, चलो इसका जो ढक्कन है इसे फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि फिक्स कर दिया, अब इसे उठा देता हूँ। एक सेकेंड, ठीक से लगा नहीं, देखने पड़ेगा। और इसका जो फैन है इसे एक बार लगा के रखता हूँ। और सॉरी, कैमरा तो सेटअप उल्टा हो गया। और इसका पावर डाल देता हूँ और सिंपली एक बार इसे चला के देखेंगे कि कुछ चेंजेस आया कि नहीं। तो युवा कट कहाँ है, यहाँ पर ही लगाता हूँ। अगर कोड आना है तो यहीं पर ही आएगा। चलो टीएस ऑन आ चुका है, अब ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो बोर्ड चालू हो गया है, पर डिस्प्ले आया कि नहीं पता नहीं। चलो एक बजर लगाते हैं पहले, और बजर लगाते हैं, और ये तो साउंड भी नहीं आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका जो एलपीसी पोर्ट है उसमें डिवाक कार्ड को डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर दूंगा मैं पहले, नहीं तो नहीं दिखेगा। चलो एक सेकेंड, अब दिख रहा है। तो अभी एक बार फिर से पावर देके टिगर करके देखते हैं। ठीक है, चलो सक्सेसफुल हो चुका है मेरे ख्याल से, देखते हैं। हाँ, हो चुका है, आ गया है। तो देखो सिंपल सी काम था, बस आपको पहले समझना है कि क्या करूं और उसके बाद अप्लाई करना है। तो डिस्प्ले भी एक बार चेक करके देख लेते हैं कि आया कि नहीं। हाँ, आ चुका है, डिस्प्ले आ चुका है, दिख रहा है। तो देखो एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ सिंपल से। चलो रिस्टार्ट कर दिया, कोड का वेरिएशन शुरू हो गया, डिस्प्ले यहाँ पर चला गया है, और फिर से बीप दिया और आना चाहिए, अभी आ जाएगा। चलो आ गया। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, बेसिकली पीसीएच जो है इसको बोथ साइड ऊपर से ज़्यादा हीटअप नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा किया, पेस्ट था, निकल रहा था पहले, किस बंदे ने किया था, पर अच्छे से हुआ नहीं होगा शायद, तो मैंने नीचे से अच्छे से हीट कर दिया। और इसका जो पीडब्ल्यूएमआईसी के आसपास जो कंपोनेंट था, कैपेसिटर और रेजिस्टर, उनको मैंने अच्छे से पेस्ट डाल के हीटअप कर दिया। देखो बोर्ड चालू हो गया। तो देखो सिंपल सा कुछ काम करना होता है बस ऐसे ही। और वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कुछ बोलूँ, वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। लव यू ऑल, जय हिंद।